कुछ दिनों से इस तरह का फोटो जो है बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे मैसेज और डीएम आए हैं कि इस तरह का फोटो एडिटिंग हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल लेके आओ। तो फाइनली आज हम इस फोटो के ऊपर ट्यूटोरियल लेके आए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनेगा, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सुमन इमेजिनेशन। गाइस, आज हम करने वाले हैं ऑटोडिक स्केच बुक के अंदर फेस एडिटिंग और हेयर एडिटिंग को कैसे करें। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फोटो का हाल कुछ इस टाइप का है। फेस में बहुत सारे ब्लैक स्पॉट, पिंपल्स, दाग धब्बे हैं, तो इसको हम पहले गायब करेंगे, फिर हम हेयर एडिटिंग करेंगे। तो सिंपली हम हार्ड फेस स्मूथ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ़ोटो को शेयर कर देंगे ऑटोडिक स्केच बुक के अंदर। तो फोटो को जैसे यहाँ पे शेयर कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो इसके बाद गाइस, हम यहाँ पे फ़ोटो को अच्छी तरह से जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको जाना है ऊपर की तरफ और ऊपर आपको बहुत सारे ब्रश वगैरह आपको दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो है ऊपर की तरफ थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे ब्रश आपको दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्मार्ट ब्रश को सिलेक्ट करना है। तो सेटिंग्स पे आना है और साइज, फ्लो और स्ट्रेंथ दिखने को मिल जाएगा। तो इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो साइज़ को अपना फ़ोटो का हिसाब से रखना है और फ्लो को हम 4 के आसपास रखेंगे और स्ट्रेंथ को हम 9 के आसपास रखेंगे। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम फेस के ऊपर इस ब्रश को इस तरह से यूज़ करेंगे। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ब्रश को राउंड राउंड करके घुमा के यूज़ कर रहे हैं और बहुत लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। वीडियो को देख के सेटिंग्स को तो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन ब्रश को कैसे घुमाना है, ब्रश को कैसे यूज़ करना है वो आपको पता नहीं चलता। और यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि फेस स्मूथ रिलेटेड और हेयर एडिटिंग रिलेटेड, लेकिन वहाँ पे आपको जो ब्रश का साइज सेटिंग्स है वो तो आपको बताएगा, लेकिन वहाँ पे ब्रश को कैसे यूज़ करना है वो आपको नहीं बताते हैं, इसलिए सभी लोग वहाँ पे ही गलती करते हैं। तो आज हम इस वीडियो पे आपको दिखा रहे हैं कैसे ब्रश को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रश को यूज़ करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको राउंड राउंड करके घुमा के ब्रश को यूज़ करना होगा। अगर आप राउंड राउंड करके घुमा के ब्रश को यूज़ नहीं करोगे तो आपके फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। और यूट्यूब पे आपको ऑटोडिक्स के ऊपर बहुत सारे फेस स्मूथ के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ब्रश का साइज जो है अलग अलग बताते हैं। लेकिन गाइस, मैं बहुत सारे सेटिंग्स को ट्राई किया लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस सेटिंग्स को ही अच्छा लगा। तो आप भी इस सेटिंग्स को अप्लाई करके फेस को स्मूथ करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, वीडियो पे आप रिजल्ट देख ही रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फेस को ऑलमोस्ट स्मूथ कर लिए हैं। इसके बाद गाइस मैं हेयर एडिटिंग करूँगा। तो हेयर एडिटिंग को करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा इस बार हम दूसरा एक अलग टाइप का ब्रश को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको जाना होगा ऊपर लाइब्रेरी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ब्रश को ढूंढने में बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप चाहो तो इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस ब्रश को ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस ब्रश का नाम है सिंथेटिक ब्रश। तो इसका सेटिंग्स पे आएंगे और साइज, फ्लो और स्ट्रेंथ दिखने को मिल जाएगा। तो सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज करना है। तो इस तरह से मैं सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करूँगा और यहाँ पे आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर आप कलर्स को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको जो है कलर्स को भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके कलर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद गाइस, आपको जाना है फिर से ब्रश के ऊपर। तो इस तरह से हम ब्रश को हमारा हेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हम
ब्रश को हेयर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा हेयर जो है अच्छी तरह से एडिटिंग हो रहे हैं। लेकिन गाइस इतना करने से ही आपका हेयर नहीं बनेगा, इसके बाद भी आपको बहुत सारे काम करना होगा। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अगर आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ गाइस, यहाँ पे हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथी हो रहे हैं क्योंकि हम एक साथ फेस एडिटिंग और हेयर एडिटिंग भी दिखा रहे हैं, तो हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्गर होगा। तो फिर भी आपको जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आपको सब कुछ सेटिंग्स आपको पता चलेगा। और हाँ गाइस, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो है कई बार ब्रश का साइज़ को कई बार छोटा करना पड़ेगा और कई बार आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये सब जो है सारे के सारे आपको आपका फ़ोटो का ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम हेयर के जो फर्स्ट लेयर है उसको हम एडिटिंग कर लिए हैं। इसके बाद गाइस हम दूसरे लेयर को ऐड करेंगे। तो सिंपली आपको जो लाइब्रेरी पे आना है और इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है, और इस ब्रश के ऊपर सेटिंग्स पे आना है, और यहाँ पे आपको साइज और ओपासिटी देखने को मिल जाएगा। तो साइज़ को आपको जो है एकदम डिक्रीज करना होगा और ओपासिटी को आपको इतना रखना होगा। आप चाहो तो इसको भी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइट कलर्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो हेयर है वो थोड़ा सा हाईलाइट दिख जाए। तो इतना करने के बाद गाइस आपको साइज़ को सेटिंग्स को करने के बाद आपको इस तरह से हेयर के ऊपर इस ब्रश को इस तरह से यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम फटाफट से इस ब्रश को इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत लॉन्गर हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। और हाँ गाइस, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट और DM किया था कि इस तरह का हेयर जो है, इस तरह का रियलिस्टिक हेयर कैसे हम एडिटिंग करेंगे। तो भाई आप देखो हम कैसे एडिटिंग कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह से इस ब्रश को सिलेक्ट करके इस तरह का हेयर बना सकते हैं। और हाँ गाइस, इस ब्रश का नाम है पेंट ब्रश, तो आपको जो याद रखना होगा ब्रश का नाम पेंट ब्रश, और आप चाहो तो वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो जो भी हो, तो यहाँ पे आप देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे आप इस लेयर को अप्लाई करने के बाद और भी और एक लेयर को अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है वीडियो को एकदम आपको लास्ट तक ही देखना होगा, आपको स्किप नहीं करना है। और गाइस अगर आपको इस वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी से हमारा चैनल को 10K सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस आप चाहो तो यहाँ पे भी आप एडिटिंग को स्टॉप करके फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा हाईलाइट चाहिए तो इसके लिए आपको जो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज करना होगा। तो साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। इतना करने के बाद गाइस आपको फिर से इस तरह से आपको इस ब्रश को हेयर के ऊपर यूज़ करना होगा। मतलब आपको अगर थोड़ा थोड़ा हाईलाइट चाहिए तो आप पहले ही फ़ोटो को सेव कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा हाईलाइट चाहिए तो फिर से आपको जो है सेटिंग्स पे जाके आपको साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करके फिर से हेयर के ऊपर और एक लेयर को अप्लाई करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं और एक लेयर को अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि उनको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट एडिटिंग चाहिए। और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे को उतना ज़्यादा हाईलाइट पसंद नहीं है, लेकिन आपका जो डिमांड है इसलिए मैं आपका डिमांड को फुलफिल कर रहा हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो हेयर है वो ऑलमोस्ट एडिटिंग हम कंप्लीट कर लिए हैं। और गाइस अगर आपको हेयर एडिटिंग के ऊपर और भी एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी हम बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना के रखें, तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देख के आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हेयर एडिटिंग है वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा
हेयर को कलर करेक्शन भी करेंगे। तो कलर करेक्शन करने के लिए गाइस आपको जो है लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा, और कलर करेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो मैं उसके ऊपर भी बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना के रखे हैं। तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फोटो को ऐड करना है। तो सिंपली आपको शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको शेयर कर देना होगा, तो आपका फ़ोटो जो है यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सारे टूल्स का अलग अलग यूज़ है। तो मैं यहाँ पे कलर करेक्शन करने के बाद का पार्ट को दिखा रही हूँ कैसा कलर करेक्शन हम किया। तो ये वाला देख सकते हैं हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो हमारा फ़ोटो का हाल कुछ इस टाइप का था, और फाइनल रिज़ल्ट हमारा फ़ोटो का कुछ इस टाइप का हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमारा फ़ोटो का बिफोर एंड आफ्टर बहुत गजब का लग रहे हैं हमारा फ़ोटो। और यहाँ पे हमारा हेयर का डिटेल्स भी देखो एकदम मस्त। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।